हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ यहाँ पर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी कैंपस प्लेसमेंट्स। तो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मेनली फ्रेशर्स के लिए और ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तो उनके कॉलेज में अभी प्लेसमेंट्स आएंगी, कंपनीज आएंगी और वो उनको रिक्रूट करके ले जाएंगी, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, कौन सी कंपनी क्या क्या पूछ सकती है, क्या क्या नहीं पूछ सकती है, क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं और क्या क्या उनको सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, रेफरेंसेज को फॉलो करना चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं केवल एक कंपनी को फोकस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सभी MNCs के लिए मैं एक कॉमन आपको वे बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, तो उसके ऊपर ये सारा वीडियो रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि TCS, Cognizant, Infosys, Wipro, HCL, Persistent और बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी MNCs जो मास रिक्रूटर्स कंपनी हैं, मैंने मेनली उनके ऊपर ही फोकस करके ये वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन इस वीडियो में आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टॉपिक है आज का हाउ टू प्रिपेयर फॉर TCS, Wipro, Cognizant, Infosys, Genzar, HCL, Capgemini, Persistent एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं और वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। यहाँ पर स्लाइड थोड़ी सी ब्लर हो गई, आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ द रीजन, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने एक एक पॉइंट रीड कर दे रहा हूँ। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट है स्टडी ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो आपके जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको अच्छे से टिप्स पर याद रखना है, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो अच्छे से कवर करके जाना है, उनको पढ़ के जाना है। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स से मतलब है जैसे कि आप कोई भी आपकी ब्रांच हो सकती है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, मैकेनिकल हो सकती है, सिविल हो सकती है, EX हो सकती है, EC हो सकती है, IT हो सकती है, केमिकल हो सकती है, राइट। ग्रेजुएशन आप दूसरे फील्ड में कर सकते हो सकता है आप MCA कर रहे हो सकता है आप BSc कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके टेक्निकल मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं एक यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो तो पूरे इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी फॉर ईच ब्रांच, राइट। तो IT बैकग्राउंड का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, मैं IT फील्ड से हूँ तो उसमें 5-6 सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उनके नाम यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद आप बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आप ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग बहुत हल्के में लेते हैं और मेरे साथ भी हुआ, मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। खासतौर से Persistent जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जब आप उसका रिटर्न राउंड देते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं। और मैं अगर बात करूं कि अगर आप किसी भी MNC में या फिर किसी भी कंपनी में, स्टार्टअप में या फिर बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको भी आप बहुत अच्छे से करिए। जितना कि डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, डेटा बेस इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे 40 सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5-6 सब्जेक्ट्स बताए, कुछ और 2-3 सब्जेक्ट्स हैं अभी मैं उनको याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, तो आप उनको सबको पढ़ के जाना है और अच्छे से उनको आपको करना है। सेकेंड नंबर का पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पर एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, इंग्लिश, कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, कोई भी कंपनी रिक्रूट करने आती है आपके कॉलेज में, तो सबसे पहले वो टेक्निकल रिटर्न राउंड लेती है या फिर बेसिक रिटर्न राउंड लेती है। टेक्निकल रिटर्न राउंड से मतलब मेरा है कि वहाँ पर एप्टीट्यूड होगा ही, रीजनिंग होगा ही, इंग्लिश होगा ही, लेकिन साथ में उसमें क्या हो सकती है, कोडिंग एड ऑन हो सकती है, ठीक है। और किसी किसी कंपनी कोडिंग नहीं पूछती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इन्फोसिस कोडिंग नहीं पूछती है, विप्रो में भी अभी आजकल कोडिंग आने लगी है, Cognizant में आप जाओगे तो डीबगिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, TCS आपको पता है NQT के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको कोडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं दो, और आई थिंक दो में से कोई आपको एक करना होता है या फिर दोनों करने होते हैं, वो मुझे इतना एग्जैक्ट पैटर्न याद नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनसे रिलेटेड मैं आपको सोर्सेस अगली वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आप कहां से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो और कहां से आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस होने चाहिए और किस लेवल तक आपको एटलीस्ट इसको पढ़ना चाहिए कि आप सारे एग्जाम्स क्रॉस कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल कंप्लीट करके रखी है, टेबल बनाकर रखी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तो फर्स्ट कॉलम है अपना टॉपिक, सेकंड वन इज़ सोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटाबेस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी जो इंपॉर्टेंट है TOC हो गया। तो ये सब आपको कहाँ से पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स को रेफ़र करेंगे, जो भी आपकी बुक्स हैं कॉलेज से आपको मिली हैं या फिर आपने मार्केट से परचेज़ करी। तो बुक्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस होता है, सोर्स होता है पढ़ने के लिए। तो बुक्स को आप सबसे पहले रेफ़र करेंगे, और अगर आप IT बैकग्राउंड से हैं, CS बैकग्राउंड से हैं, तो उसके लिए गीक्स फॉर गीक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। तो गीक्स फॉर गीक्स पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, आप वहाँ पर जाके इसको रेफ़र कर सकते हैं। इंडिया बिक्स और सैन फाउंड्री मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि इंडिया बिक्स और सैन फाउंड्री पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए MCQ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ, परसिस्टेंट का अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो या फिर कैपजेएमएनआई का या विप्रो का, तो अगर टेक्निकल क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, TCS में भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, MCQ फॉर्म में आते हैं अगर, तो MCQ फॉर्म में आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, राइट? तो इंडिया बिक्स से आपको मिल जाएंगे और सैन फाउंड्री से भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी दोनों में कन्फ्यूजन है कहाँ से आपको पढ़ना है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया बिक्स और भी ज़्यादा अच्छा है सैन फाउंड्री से, इनकम अकॉर्डिंग टू मी। और डिफ़िकल्टी लेवल की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल होती है, मतलब इजी टू मॉडरेट है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो कि मैं रिटर्न राउंड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ना कि अभी इंटरव्यू की। तो यहाँ पर मैंने अभी जो भी आपको यहाँ पर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं केवल आपको फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए अभी आपको मेथड्स बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड कैसे क्लियर करने हैं, आपको अपना टेक्निकल रिटर्न राउंड कैसे निकालना है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बुक्स को रेफर करना है, सेकंड नंबर आप गीक्स फॉर गीक्स पर जा सकते हैं अगर आप CS और IT बैकग्राउंड से, अगर कोई, लेकिन अगर आप कोई और अनदर बैकग्राउंड से हैं, कोई और फील्ड से हैं, कोई और ब्रांच से हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा और गूगल कर सकते हैं, और कुछ और स्पेसिफिक बुक्स हों या फिर साइट्स हों तो वहाँ पर भी जाके आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन MCQ की बात करूँ, तो इंडिया बिक्स और सैन फाउंड्री पे आपको सभी ब्रांच से रिलेटेड MCQ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एप्टीट्यूड के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी इज RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का लेवल मैं बताऊँ आपको, तो ईजी टू मॉडरेट है, और अगर आप एक कर ले हो तो इनफ है, सफिशियंट है। आप कोई भी MNC या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एप्टीट्यूड आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? RS अग्रवाल में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एग्जांपल्स को आप उसमें सॉल्व करें, जो उसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो आप उसमें सॉल्व करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इंडिया बिक्स की तरफ जा सकते हो, इंडिया बिक्स पर भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो डिफ़िकल्टी लेवल एप्टीट्यूड का होता है इजी टू मॉडरेट। जैसे कि मैं बात करूँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निएंट, इन सब में एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी लेवल का ही आता है, लेकिन इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ा एप्टीट्यूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इन्फोसिस की एप्टीट्यूड और रीजनिंग इन सभी अदर कंपनीज की कंपेरिजन में थोड़ा हार्ड होती है, मॉडरेट टू चैलेंजिंग लेवल इसकी होती है। इंग्लिश की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश आपकी मॉडरेट टू चैलेंजिंग होती है, मतलब थोड़ा हाई डिफ़िकल्टी, ग्रामर वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो की पॉइंट्स वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि इज़ है, आर है, टू है, मतलब कुछ भी माइनर सी मिस्टेक हो सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेंथी सेंटेंस होते हैं, कई बार 3 से 4 लाइन का सेंटेंस हो, उसमें आपको एक माइनर सी एरर दे देंगे, लेकिन आपको वो डीबग करना है कि कहाँ पर एरर है, वो आपको बताना पड़ता है। तो इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं RS अग्रवाल, अगेन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ RS अग्रवाल आपके लिए एप्टीट्यूड के लिए बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक है, और रीजनिंग के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो तीनों के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, और RS अग्रवाल बहुत ही अच्छी बुक है। इंग्लिश के लिए आप RS अग्रवाल के साथ आप इंडिया बिक्स पर भी जा सकते हैं, इंडिया बिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल क्वेश्चंस एंड कोडिंग क्वेश्चंस के MCQs के लिए भी, ठीक है? और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको मैं बताऊँ यहाँ पर सोर्सेज क्या क्या हैं। रीजनिंग में RS अग्रवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि RS अग्रवाल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक है। सिमिलरली इंडिया बिक्स भी तीनों के लिए बहुत अच्छा है। तो रीजनिंग में RS अग्रवाल, इंडिया बिक्स फिर से हो जाएगा। और डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर मैं बात करूँ कि रीजनिंग का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, तो रीजनिंग का डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। मैंने अभी कॉग्निएंट के टेस्ट दिए हैं, और मैं कॉग्निएंट, विप्रो, मतलब काफ़ी MNCs में सेलेक्ट हुआ हूँ, तो लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और मैंने कुछ लेटेस्ट इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, लोगों के सुने हैं, और मैंने उनसे डिस्कस भी किया है, तो उन लोगों ने भी यही बताया है कि रीजनिंग जो होती है ईजी टू मॉडरेट लेवल की ही अभी आती है। कोडिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो कोडिंग प्रैक्टिस आप कहाँ से करते हैं, तो कोडिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आप हैकर रैंक से स्टार्ट करें। हैकर रैंक क्या है कि थोड़ा इजी लेवल से आप वहाँ पे चालू कर सकते हैं, तो इजी से मॉडरेट पे जाएं, देन आफ्टर दैट आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट हैकर अर्थ पर चले जाते हैं, और हैकर अर्थ
अकॉर्डिंग टू मी हैकर रैंक से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन करें तो एक दिन में कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन एक दिन में दो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन में 8 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लॉजिक अगर आपका बिल्ड होने लगेगा तो आप विश्वास मानिए आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी से क्रैक कर लेंगे और कर पाएंगे। तो हैकर रैंक पे आपको सबसे पहले जाना है, हैकर रैंक के बाद आप हैकर अर्थ की तरफ मूव कर सकते हैं। कोडिंग यहाँ पर मैंने लिखा है इजी टू मॉडरेट, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ MNCs की, लाइक TCS, विप्रो, कॉग्निएंट, इन्फोसिस, SCL, परसिस्टेंट, इन सब में इजी टू मॉडरेट लेवल तक की आती है। लेकिन मैं बात करूँ अगर हायर पैकेज पे अगर आप जाते हो, कॉग्निएंट जैसे हायर पैकेज के लिए भी आपको सेलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है, परसिस्टेंट भी हायर पैकेज के लिए भी रिक्रूट करती है, तो उसमें फिर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक अलग से राउंड होता है जिसमें आपको केवल कोडिंग ही कोडिंग होती है और कुछ नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आप हैकर पे जा सकते हैं और गीक्स फॉर गीक्स पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लोगों के इंटरव्यूज एक्सपीरियंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमने किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपको एग्जैक्टली वहाँ पर मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर उसका मिल जाएगा क्या इसका सॉल्यूशन है। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स के लिए आपको गीक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और हैकर अर्थ पर भी आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली चैलेंजिंग ही होगा क्योंकि आप हायर पैकेज के लिए जा रहे हो, बेसिक पैकेज के लिए तो जा नहीं रहे हो। तो परसेशन में हायर पैकेज अकॉर्डिंग टू मे 8+ होता है और कॉग्निएंट में भी हायर पैकेज 8.1 आई थिंक होता है। तो अगर आप हायर पैकेज के लिए डेफिनेटली अगर आप रिक्रूट होने जा रहे हो तो चैलेंजिंग क्वेश्चन ही होंगे और कोडिंग क्वेश्चन होंगे, और हो सकता है कि आपको टाइम बाउंड रहे कि 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने या फिर 2 घंटे में 3 क्वेश्चन करने, इस तरीके से आपको टाइम बाउंडेड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो वो आपको करना है। और आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सभी कुछ कवर किया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने जो भी आज बताया है आपको, तो ये फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए है कि आपको फर्स्ट राउंड अपना कैसे क्लियर करना है। सेकंड राउंड जो होता है मेनली वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है और थर्ड वन आपका HR इंटरव्यू होता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊँगा कि टेक्निकल राउंड में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कहाँ से पढ़ के जाना है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाएं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं अभी फाइनल ईयर में या फिर थर्ड ईयर में जिनकी कॉलेज में कंपनी जाने वाली है, उनको रिक्रूट करने वाली हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट हो, उनको कुछ तो इससे बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।